टैली चैप्टर 215। आज का टीडीएल सेशन व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर फिर से एक बार बनाया गया, तो आप बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें डिलीट ऑल वाउचर्स के लिए एक गेटवे ऑफ टैली पर बटन चाहिए। अब वैसे भी डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर ये ऑप्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है, जैसे डे बुक में आप जाएं और आपकी एंट्रीज़ को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ए कीजिए और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन मैंने ये सवाल अपने व्यूअर से पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक साल की एंट्री है, अब उसके लिए मुझे अपना पीरियड सेट करना पड़ेगा, मैं डे बुक में जा कर के ऑल्ट F2 करूँगा, फिर पीरियड सेट करूँगा, उसके बाद सेलेक्ट करूँगा, फिर डिलीट करूँगा, यानी कि चार स्टेप लूँगा तब जाके ये डिलीट होगा। तो मुझे एक साथ सारी चीज़ें डिलीट करनी है और बहुत सारे साथियों को नहीं पता कि कैसे होता है सेलेक्ट ऑल वगैरह, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर एक TDL बना दिया है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है कि ओरिजिनल कंपनी पर आपको ये फंक्शन नहीं चलाना है, एक टेस्टिंग कंपनी के अंदर आप ये TDL चलाएंगे। शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया गया है, नहीं तो आपके एक साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले एक टेस्टिंग कंपनी बनाइए, उस पर यूज़ कीजिए। बहुत बुरी कंडीशन में आपको इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ये 2 अप्रैल 2021 तक की मेरी लास्ट एंट्री है जो मैंने की है। ठीक है, सो डिस्प्ले डे बुक ऑल्ट F2 मैंने यहाँ से चेक किया तो आपको दिखाने के लिए कि क्या मेरे पास एंट्रीज है या नहीं है, ये सारी एंट्रीज मैंने कर रखी हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डिलीट ऑल वाउचर्स का बटन लिया, क्लिक किया और अब आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा नो वाउचर एंटर्ड। क्यों? क्योंकि सारी एंट्री डिलीट हो गई। डे बुक में एक ही डेट की एंट्री है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ से कोई सेटिंग की है, नहीं, सीधे टैली खोली और इस बटन पर क्लिक किया और आपकी सारी एंट्री जो है वो कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, डे बुक खाली है, ऑल्ट F2 से आप करेंगे तो भी ये खाली है, कोई भी एंट्री नहीं है। एक बार एंट्री छोटी सी कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि हम इस ऑप्शन को एक बार और टेस्ट कर दें और फिर कोडिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा कोड इसके लिए हम यूज़ करेंगे। मैंने लैपटॉप लिया, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी प्राइस कुछ भी अभी रख देते हैं, टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन लिया, अमाउंट कुछ भी डाल करके एंट्री कर देते हैं। प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं, ये आपका प्रिंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, कैश का बिल है इसलिए ग्रीन कलर में है, क्रेडिट में होता तो रेड कलर में आ जाता अगर ये पार्टी के नाम पर होता तो। मिश्रा ट्रेडर्स पार्टी का नाम, तो यहाँ पर ऑल्ट पी ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा और अगर ये ब्लैंक होता तो ब्लैंक में ये ब्लू कलर में आ जाता। ठीक है, तो ये सारी वीडियोज़ पहले से बनी हुई है, आप चैनल पर जाएंगे वहाँ पर बात करेंगे इस बारे में। पहले ऑप्शन दिखा देते हैं। डे बुक, ये हमारे पास एक एंट्री है, ऑल्ट 2 करके मैंने इस एंट्री को बढ़ा दिया, ऑल्ट 2 डुप्लीकेट एंट्री कर दी टेस्टिंग के लिए, पार्टी का नाम ऑब्जेक्ट जो भी आपको बदलना हो, एंट्री और फिर से यहाँ पर डिलीट ऑल वाउचर्स, क्लीन, कुछ भी नहीं है, डे बुक खाली पड़ा हुआ है आपका। चलिए, तो ये हमारा डिलीट है ऑल वाउचर्स का, भी कैसे काम करेगा वो बात करेंगे इस पर। तो अब चलते हैं नोटपैड पर, कोड लिख देते हैं। तो मैं अपने नोटपैड पर गया, मैंने अपना नोटपैड टैली से ही ओपन कर लिया, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और अपना कोड लिख दिया हैश मेन्यू, मेन्यू का नाम गेटवे ऑफ टैली, एक साथ लिख दीजिए या स्पेस देके अलग अलग लिख सकते हैं, गेटवे अलग कर दीजिए, ऑफ अलग कर दीजिए, टैली अलग कर दीजिए। ऐड करिए एक ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन, लेकिन हम यहाँ पर बटन बना लेते हैं, इसको बटन से चलाएंगे आप भी तो ऑप्शन नहीं लूँगा। ठीक है, अब इस बटन का नाम, जैसे मैंने डिलीट ऑल वाउचर रखा है तो मैंने यहाँ पर बटन का नाम DEL और उसके बाद में
ALL डेल ऑल कर दिया, ठीक है। अब इस बटन की डिटेल आपको लिखनी है, आप जानते हैं जब ऊपर लिखा गया है तो इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी जाएगी, बटन का नाम डिलीट ऑल ब्रैकेट क्लोज, बटन की डिस्क्रिप्शन में टाइटल डाल दीजिए, छोटा टॉपिक बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट भी है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट टैली में होता है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इसको बनाने में, जब तक कि मैं खुद सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ कि आखिर में कोई परेशान हुआ है इस काम से, तब जाकर के मैं टीडीएल बनाता हूँ कि हाँ ये परेशानी आ रही है और इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैंने बना दिया आपके लिए, ऑल्ट प्लस टी, मैंने इसको डिलीट के लिए रखा हुआ है, ठीक है, आप डी कर दीजिए या जो भी करना है, ऑल डी डिफ़ॉल्ट रहता ही है। एक्शन बनाइए और वो एक्शन क्या काम करेगा, कॉल, क्या कॉल करेगा, कॉल लिखा है तो इसका मतलब फंक्शन चलेगा, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया डिलीट वाउचर्स, ठीक है, ये हमारा बटन यहाँ पर तैयार हो गया। बटन बटन क्या काम करेगा, तो मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है, तो मैं इसका फंक्शन लिखूँगा, तो फंक्शन में ना आप टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, फंक्शन क्या होगा कि फंक्शन इसके नीचे का आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे आखिरी में मेरे ब्लॉग का लिंक है, क्लिक कीजिए, ब्लॉग खुलेगा, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इस कोडिंग के बाद उसको पेस्ट कर दीजिए नीचे, ये आपका काम कंप्लीट कर देगा। छोटा सेशन है इसलिए मैंने बहुत डिटेल नहीं दी है इसमें, ठीक है। फिलहाल अभी क्या करना है आपको कि अगर आपको कोई TDL बनवानी है तो जब आप मुझे डिटेल देते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए इन व्हाट कंडीशन आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है या आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे साथी हैं सिर्फ कोड ले रहे हैं लेकिन वो मुझे बता नहीं रहे हैं कि आखिर उसकी आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ती है, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है टैली के बारे में, मैं सिर्फ प्रोग्राम बनाता हूँ, तो जब तक आप मुझे ही एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मैं व्यूवर्स को क्या बताऊंगा कि ये वीडियो किस कंडीशन में उनके काम आएगी, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, और मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के आपके लिए टॉपिक बनाऊंगा। कोई भी TDL आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपका TDL तैयार हो जाएगा, कोड के साथ आपको मिल जाएगा, चैनल पर ढेरों वीडियो हैं, आप ही की रिक्वेस्ट है वो यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ टैली चैप्टर 215 छोटा सा बट पावरफुल, वो जिन लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है वो कमेंट जरूर करके बताएं कि आखिर किस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैं और साथियों को बता पाऊं कि हाँ यहाँ पर इसका इस्तेमाल ये होता है, ठीक है। तो इसलिए अब बढ़ते हैं टैली चैप्टर 216 की ओर।